इस लेक्चर में हम देखेंगे कन्फिगेशनल नोमेनक्लेचर के बारे में। इसका क्या मतलब है कन्फिगेशनल नोमेनक्लेचर? तो इसका मतलब कुछ ऐसा है, मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। जैसे कि हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, ओके? इसका नाम मैं लिख दे रहा हूं इधर, लेट मी चेंज द कलर। इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारे पास आईयूपीएसी का नॉलेज होता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का नॉलेज, उससे आप इसका नाम लिख रहे होते हैं, तो इसका नाम हो जाता है ब्यूट टू इन। ओके, तो इसका क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो हम पहले चेक करेंगे क्या इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो हाँ है। क्या इसके वैलेंसीज डिफरेंट है, तो वो भी है। इसका मतलब है कि ये जी आई शो करेगा। जब जी आई शो करेगा तो हमारे पास जी आई शो करने के बाद दो कंपाउंड्स आ जाते हैं, वो कौन कौन से कंपाउंड है, वो कुछ इस तरह के कंपाउंड हो जाएंगे। एक तो कुछ इस तरह का कन्फिगेशन में आएगा ओरिएंटेशन, एक कंपाउंड का ऐसा ओरिएंटेशन होगा और इसी कंपाउंड का दूसरे बार जो ओरिएंटेशन होगा वो ऐसा होगा। ये तो हम लोग जानते हैं जी आई के नॉलेज से। ओके, तो क्या दोनों ही केस में, क्या दोनों ही केस में दोनों का नाम ब्यू टू इन ही होगा? तो हम फिर सेपरेट कैसे करेंगे इसको, अगर किसी को बताना होगा कि ये साइड ले रहा हूं मैं, ये साइड ले रहा हूं, कैसे बताएंगे कि लेफ्ट साइड वाला लिया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना पड़ता है, तो हम नोमेनक्लेचर इसीलिए पढ़ते हैं। पहला नोमेनक्लेचर है वो है सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। ट्रांस तो सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है, इसमें सिस कौन सा है, इसमें ट्रांस कौन सा है, तो इसके लिए एक सिंपल रूल है, मैं रूल लिख देता हूं, ठीक है? तो रूल क्या है, सेम साइड इंप्लाइज सिस। ओके, और दूसरा है अपने पास, अगर अपोजिट साइड हुआ तो ट्रांस। बहुत क्लियरली ये नहीं लिखा हुआ है कि सेम साइड, क्या सेम साइड, हाँ, तो जो मैं बता रहा हूं, जो डिफरेंट वैलेंसीज हैं, इस केस में हम देखेंगे कि इसके पास जो वैलेंसी है वो CH3 है और एक H है, इसके पास भी यही है CH3 एंड H, तो दोनों के ही वैलेंसी सेम है। मतलब अगर इसको मैं AB, जो हमने पहला लेक्चर में देखा था AB, दोनों के पास ही वैलेंसी सेम है, AB दोनों के पास वैलेंसीज है, तो सेम वैलेंसी अगर सेम साइड हुए तो उसको हम सिस कहेंगे, सेम वैलेंसी सेम साइड, तो सेम साइड। और यहां पर अगर आप ऐड करना चाहो तो लिख सकते हो सेम वैलेंसी, सेम बैलेंसी, सेम साइड सिस, सेम बैलेंसी अपोजिट साइड ट्रांस, तो सेम बैलेंसी सेम साइड सिस, सेम बैलेंसी अपोजिट साइड ट्रांस। ओके, दूसरा एग्जांपल अपन लेंगे और देखेंगे, एग्जांपल नंबर टू। हम जानते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रिंग के लिए भी एराइज होते हैं, तो दूसरा एग्जांपल मैं रिंग का ले लेता हूं। ओके, शायद इस सिंबल से, इस सिंबल को आप लोग पहचान गए होंगे, इस सिंबल का मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन, तो मैं यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3 ले लेता हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये जो CH3 है वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ रिंग है। ओके, तो नाम लिखने के लिए अब हमारे पास एक कठिनाई है कि इस बार तो इन्होंने पहले बता दिया है कि ये दोनों जो एटम है वो प्लेन से बाहर आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि हमें एक पार्टिकुलर नाम इसे देना पड़ेगा नोमेनक्लेचर के अंदर। तो क्या नाम हो सकता है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड होता था तो हम उसको सिस नाम देते थे, तो सिस तो मैंने कह दिया, अब इसका नाम लिखना है हमें। इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करते थे कि 1, 2, 3, अब इसका नाम लिख जाएंगे, तो 1, 2 दोनों पे ही मीथेन है तो हम इसको लिखते हैं मिथाइल। ओके, 1, 2 मिथाइल, और फिर रिंग का नाम लिखते थे, तो रिंग का नाम पहले हम साइक्लो लगाते हैं, तो साइक्लो मैंने भी लगा दिया, और उसके बाद हम नंबर ऑफ एटम्स जो भी है, नंबर ऑफ कार्बन जो भी है उसके लिए नाम लिखते हैं, तो इस तीन के लिए हम प्रोप यूज करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ प्रोपेन। ओके, तो ये हो गया सिस 1, 2, और क्योंकि दो है तो मुझे डाई भी लिखना चाहिए, 1, 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो ये हो गया इसके लिए, ठीक है? एक और एग्जांपल अपन देखेंगे, तो इस एग्जांपल में मैं एक रिंग ले ले रहा हूं। ओके, और यहां पर OH, यहां पे H, और इधर OH और इधर H। ओके, तो मैं पहले कलर चेंज कर दूं इसका, तो ये क्या हो जाएगा, सिस होगा या ट्रांस होगा? ऑफ कोर्स ट्रांस होगा, क्योंकि दो सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे ट्रांस।
अब है इसका नेम लिखने का बात, तो नेम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले तो नंबरिंग करते हैं, आईयूपीएसी नंबरिंग, और इस नंबरिंग के अनुसार हम नेम लिखते हैं। एक और एग्जांपल मैं लूंगा जो कि एक अच्छा एग्जांपल होता है, वो कैसे कभी कभी कुछ इस तरह से भी चीजें दी जाती है, तो हमें ये बताना पड़ता है कि ये जो चीज है वो सिस है या ट्रांस है। तो हमें देखना है कि क्या सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है तो वो सिस होगा, लेकिन इस केस में क्या है कि हमारे पास डिफरेंट जो डिफरेंट पोजीशंस हैं, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस है, उसके अलॉन्ग डिफरेंट नाम आएगा, इसके अलॉन्ग जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके अलॉन्ग ट्रांस, ये आ गया ट्रांस, ओके, इसके अलॉन्ग भी ट्रांस, इसके अलॉन्ग भी ट्रांस,